एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो थ्री डिजिट के जो नंबर होते हैं उनकी फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए ये एक नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके क्या करना है कि जो फर्स्ट वाले जो नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक और एक गुना एक करते हैं जो कि हो जाएगा वन। इसके बाद फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद ऐड करते हैं। तो दो और दो एकम दो, यानी दो प्लस दो कितने हो गए आपके पास चार। तो चार यहाँ पे आ जाएगा। फिर पहले वाली संख्या को लास्ट वाली इस संख्या से मल्टीप्लाई करना है और चार को इस वाली से, यानी कि तीन एकम तीन प्लस चार एकम चार, और बीच वाली को आपस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है दो दूनी चार। तो कितने हो गए आपके पास चार और चार कितने हो गए आठ, आठ और तीन कितने हो गए ग्यारह, ठीक है। तो ग्यारह का यहाँ पे वन हो जाएगा और आपके पास एक असल बचती है वो यहाँ पे लग जाए, ठीक है। फिर इसके पास सेकंड वाली पे आते हैं, तो सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करते हैं चार दूनी आठ और इसको तीन दूनी चार, यानी कि आठ प्लस छह कितने हो गए चौदह और एक आपके पास असल थी यानी कि पंद्रह। फिर आपके पास फिर एक असल आते हैं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली को, तो चार थी बारह, बारह और एक तेरह। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इसको फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।